फैक्ट नंबर वन। दोस्तों, आप शायद एंड्रॉइड फोन सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कि एंड्रॉइड में ड्रॉइड का मतलब होता है एक रोबोट या एक मैकेनिकल गुलाम, और एंड्रॉइड का मतलब होता है एक ऐसा रोबोट जो इंसान जैसा दिखता हो। देखा जाए तो इसका ये नाम सही भी है, क्योंकि आज एंड्रॉइड का असिस्टेंट फीचर इंसानों के जैसा बोलना सीख गया है, और आगे चल के धीरे धीरे ये इंसानों जैसे काम भी करने लगेगा। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि गूगल का एंड्रॉइड असल में गूगल ने खुद नहीं बनाया है। एंड्रॉइड 2003 में एंडी रूबिन और निक सियर्स ने बनाया था, और फिर गूगल ने इसको $50 मिलियन यानी करीबन 3 अरब 40 लाख रुपए देकर खरीद लिया। फैक्ट नंबर टू। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, और कई चीजें तो ऐसी हो जाती हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। दोस्तों, एक टाइपिस्ट जिसका काम एक कंप्यूटर या टाइपराइटर पर टाइप करना होता है, उसकी उंगलियां टाइप करते समय एक अक्षर से दूसरे अक्षर और दूसरे अक्षर से तीसरे अक्षर बार बार जाती हैं, और इन अक्षरों के बीच की दूरी तय करती है। 8 घंटे में एक टाइपिस्ट की उंगलियां 20 किलोमीटर का सफर कर लेती हैं। चौंक गए ना। फैक्ट नंबर थ्री। भाइयों, अगर आपने कभी आईफोन वाले बंदे से पूछा हो कि उसने सैमसंग या एमआई जैसे एंड्रॉइड फोन छोड़कर 70,000 रुपए का आईफोन क्यों लिया, तो वो कहेगा कि उसको आईफोन की डिजाइन या आईफोन का सॉफ्टवेयर या फिर आईफोन की बिल्ड क्वालिटी खूब पसंद आई। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बोलेगा कि आईफोन के पीछे आधा कटा हुआ झूठा एप्पल उसको मस्त दिखा, और आईफोन को लेने की एक वजह उसका लोगो भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी का आधा कटा हुआ लोगो उसका पहला ओरिजिनल लोगो नहीं था, बल्कि एप्पल कंपनी का असली लोगो एक मशहूर वैज्ञानिक आइज़ैक न्यूटन का फोटो था, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाए गए। एप्पल कंपनी का ये लोगो स्टीव जॉब्स ने नहीं, बल्कि कंपनी के को फाउंडर रोनल्ड वेन ने सन 1970 में खुद बनाया था। एप्पल कंपनी का ये लोगो कंपनी की धारणा बताता था। एप्पल की धारणा थी रिवॉल्यूशनरी चीजें बनाना, उस प्रकार की रिवॉल्यूशनरी चीजें जो इस पुराने लोगो में आइज़ैक न्यूटन ने खोजी थी। दोस्तों, आज हमको ग्रेविटी बहुत ऑब्वियस सी चीज लगती है, लेकिन वो आइज़ैक न्यूटन ही थे जिनके सर पर जब एक एप्पल पेड़ से गिरा, तब उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, और फिर उन्होंने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज करी। इसी रिवॉल्यूशनरी खोज से इंस्पायर होकर एप्पल कंपनी का निर्माण हुआ। लेकिन जब स्टीव जॉब्स ने रॉब जेनॉफ नामक एक ग्राफिक डिजाइनर को नौकरी पर रखा, तब उन्होंने उससे एप्पल कंपनी का एक नया लोगो बनवा लिया, जो कि था एक आधा कटा हुआ एप्पल। स्टीव जॉब्स ने तुरंत पुराने लोगो को कचरे में फेंक दिया, और एप्पल कंपनी का यह नया लोगो अब ऑफिशियली कंपनी की पहचान बन गया। फैक्ट नंबर फोर। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इंटरनेट पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कंपनी गूगल है। ये वही कंपनी है जो इस यूट्यूब को भी चलाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जब भी गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल जैसी कंपनियां ये वेबसाइट चलाने के लिए बड़े बड़े सर्वर्स का इस्तेमाल करती हैं। पूरी दुनिया भर में इनके डेटा सेंटर्स फैले हुए हैं, समुद्र में इनके हजारों किलोमीटर के केबल राउटर्स लगे हुए हैं, और ये सब चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। सिर्फ गूगल को ही चलाने में इतनी एनर्जी खर्च हो जाती है जितनी दुनिया के सारे एयरप्लेन्स खर्च करते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी के उपयोग के कारण हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं, और हर सेकंड गूगल के चलने से 500 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घुल जाती है। यह कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, लेकिन एक बढ़िया फैक्ट ये भी है कि गूगल अपने कार्बन एमिशन को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। गूगल हेडक्वार्टर्स में घास काटने के लिए मशीनों का उपयोग नहीं होता, गूगल ने घास काटने के लिए बकरियों को रख रखा है। गूगल हेडक्वार्टर कोई छोटा मोटा हेडक्वार्टर नहीं है, ये 26 एकड़ में फैला हुआ है, और इसमें ढेर सारी घास भी है। तो कभी आप कैलिफोर्निया में हो और आसपास से बकरियों की आवाज आ रही हो, तो समझ लेना कि आप गूगल हेडक्वार्टर के आसपास हो। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपको वावे नाम की मोबाइल कंपनी के बारे में तो पता ही होगा। ये वही कंपनी है जो ऑनर के मोबाइल बनाती है। ये कंपनी एमआई, ओप्पो या वीवो जैसी कोई नई कंपनी नहीं है, ये 35 साल पुरानी कंपनी है। सालों से वावे चाइना में एप्पल कंपनी से मुकाबला कर रही है, और अपने आप को एप्पल से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वावे के फाउंडर और सीईओ रेन ज़ेंगफी ने खुद खुलासा किया है कि वो अपने परिवार और दोस्तों के लिए वावे की जगह
एप्पल के आईफोन खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी वो उनके खुद के ब्रांड के फोन छोड़कर उनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर मानते हैं। ये जानकर भी आपके कान खड़े हो जाएंगे कि इसी प्रकार का केस बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स के बीच का भी है। बिल गेट्स जो अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को एप्पल के मैकिंटोश कंप्यूटर से बेहतर बताते हैं, वो एप्पल के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन बिल गेट्स का खुद का घर एक एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर पर डिजाइन हुआ है। भाइयों, ये तो वही बात हो गई कि प्लास्टिक के थैली पर ही लिखा है कि डोंट यूज प्लास्टिक। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप लोगों ने हजारों डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर गाड़ी ना चलाने वाले साइंस देखे होंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाना बहुत ही खतरनाक पाया गया है और इसको रोकने के लिए कड़े कानून तक बना दिए गए हैं। अगर आपके ब्लड में 0.05% से ज्यादा अल्कोहल है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा नई स्टडी में ये पता चला है कि फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना शराब पीकर गाड़ी चलाने से भी ज्यादा घातक और खतरनाक है। रिसर्च में ये पता लगा है कि 60% से ज्यादा टीनेजर्स कभी ना कभी फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं और ऐसी ड्राइविंग को डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग कहा जाता है। फोन पर बात या SMS करते हुए गाड़ी चलाने से हमारा रिस्पांस टाइम घट जाता है। रिस्पांस टाइम ये बताता है कि किसी दुर्घटना से बचने के लिए हम कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। भारत में हर एक मिनट में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में अपनी जान खो बैठता है और इसको कम करने के लिए डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग पर कानून बनाने की जरूरत है। चाहे आप फैक्ट्स होस्टिंग सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आप गाड़ी चलाते हुए बात करना जरूर छोड़ दें। मजाक कर रहा हूँ, फैक्ट्स होस्टिंग भी सब्सक्राइब करो और गाड़ी पर बात करना भी छोड़ दो।